राजधानी लखनऊ में मंगलवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। बता दें, रोजगार मेले में वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी भी जुड़े। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 354 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर बांटे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। बता दें, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां अपने रिश्तेदार और कार्यकर्ताओं को नौकरी देने का काम करती रही हैं। उनका रास्ता है रेड कार्ड, जबकि हम युवाओं के भविष्य को सेफ गार्ड करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेड कार्ड आपके सपनों को चूर चूर कर देते हैं। भाजपा की सरकार आपकी और आपके परिवार की सभी इच्छाओं और आकांक्षाओं को सेफ गार्ड करने में लगी हुई है। वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि नियम का पालन करो तो जीवन अच्छा चलेगा। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के लिए 1 करोड़ का लोन मिलने लगा है। उन्होंने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस से ज्यादा नौकरियां भाजपा सरकार ने दी हैं। बृहद रूप से बड़े व्यवसाय को कर सके। अब तक 40,000 करोड़ रुपया मात्र स्टैंड अप इंडिया में भी भारत सरकार के सौजन्य से सुनिश्चित कराया गया। एक तरफ सरकारी नौकरियों में 8,80,000 लोगों को अब तक नौकरियां देना और आज 70,000 लोगों को नौकरी देना, दूसरी ओर मुद्रा योजना के माध्यम से 40 करोड़ व्यवसायियों को जो गरीब